लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले अशोक वर्मा इन दिनों सड़क पर हैं, क्योंकि स और मात के खेल में डॉक्टर रितेश ने ढाई घर ऐसा चला है कि सारे विषाद बिछाने के बाद भी अध्यक्ष अशोक वर्मा क्लब में नहीं घुस सकते। ताज़ा मामला कुछ भी नहीं है, सब बासी का बासी मामला है। वर्ष 2015 में जब रेन डांस में शराब के नशे में मदहोश होकर क्लब के पदाधिकारी जब रंगरेलियां मना रहे थे, उसी दौरान राठी बंदुवर और अशोक वर्मा के बीच गोली चली थी। उसी गोली कांड को वर्तमान सचिव डॉक्टर रितेश ने हथियार बनाया और अध्यक्ष अशोक वर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया। बेबस अशोक वर्मा अपनी मदद के लिए रविवार को पूरे दिन और देर शाम तक कैंट थाने में मदद की गुहार लगाता रहा। वहीं क्षेत्राधिकारी कैंट ने गोली चलाने वाले राठी बंधुओं और अध्यक्ष अशोक वर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया। गोली चलाने वाले अशोक वर्मा ने गोली चलाने के बाद भी अपने थन बल के बल पर खुद को पाक साबित करने के लिए बैलिस्टिक रिपोर्ट में भी दर्ज करा दिया कि उन्होंने गोली नहीं चलाई थी, पर आज भी उनके हाथ ही उंगलियां उस गोली कांड में कट चुकी है। क्लब में जग जाहिर है कि पूर्वांचल के कुख्यात माफिया डॉन से माननीय राजनेता बने मुख्तार अंसारी का बिजनेस पार्टनर रहे अशोक वर्मा ने वर्षों पूर्व गाजीपुर में एक युवक की हत्या कराकर अपने आका के प्रभाव से थन बल के दम पर मामले को ऐसे लिपापोती कराया कि उससे बेइज्जत बरी होकर जैसे बैलिस्टिक रिपोर्ट में गोली चलाने के बाद बड़ी हुई है। बताते चले कि गाजीपुर हत्याकांड में पूरी फाइल को दुर्गाकुंड क्षेत्र का फर्जी पत्रकार असली जांच कराने के लिए क्लब से निकाले गए मंगल सोनी से लाखों रुपए घूस लेकर कई बार फाइल खुलवाने की कोशिश किया, पर कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वर्मा जी की लखपति ही नहीं करोड़ों के मालिक हैं। जिसकी हत्या कराई उसकी लुगाई को ही रख लिया, और इसके अलावा अशोक वर्मा के अय्याशी के खिस्से भी बहुत हैं। पहला शादी बकायदा सात फेरे लेकर किया, एक बेटी होने के बाद दोनों को छोड़ दिया, दूसरी रखेल बिना शादी के चौक से भगाकर ले आया और उसे ईश्वर टावर में बीवी बनाकर रखा है, और दो बेटे भी हैं, और तीसरी रखेल जिसके पति की हत्या कराकर जिसके पति की हत्या कराया था, पहले उसे इलाहाबाद से लखनऊ में रखा और बाद में रखेल बीवी के पता चले पर कोलकाता भेज दिया। पति के हत्या के बाद करोड़ों की मालकिन कोलकाता से बनारस और बनारस से कोलकाता वर्मा जी के शिकंजे में ही रहती है। क्लब का एक और मामला वर्तमान सचिव ने उभारा है, जिसमें लखनऊ में क्रिकेट खेलने के नाम पर लाखों रुपए अय्याशी में पानी की तरह क्लब में बहाया है। इन दिनों हो रही एक वीडियो वायरल का सच जिसमें लखनऊ के किसी गुप्त ठिकाने पर अर्धनग्न बार बालाओं के साथ पूर्व अध्यक्ष रमेश गिनोडिया, पूर्व सचिव बलवीर बग्गा, टोपी लगाए अशोक वर्मा अपने साथियों के साथ जाम पर जाम छलकाए जा रहे हैं, और बार बालाओं के मदहोश करने वाले नृत्य पर पीएनयू क्लब के अय्याशबाज पदाधिकारियों का नशा सातवें आसमान पर चढ़ गया। पर उन्हें क्या पता था कि उनके ही पैनल के सचिव डॉक्टर रितेश जायसवाल इनका ही ऑपरेशन कर पूरा नशा काफूर कर देंगे। आज श्री वर्मा जी की हालत सांप और छछुंदर जैसी हो गई है। अपने आधा दर्जन जुआड़ी शराबी अय्याश पीएनयू क्लब के साथियों के साथ बदहवास हालात में क्लब में घुसने की गुहार लगा रहे अपर बेचारे को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि दारू कंपनियों से हराम की मिली हजारों रुपए की दारू अपने अय्याश साथियों को पिलाया, जबकि डॉक्टर रितेश ने हराम की दारू क्लब के सम्मानित सदस्यों को कौड़ियों के भाव बेच दिया। जुए के अड्डे कि 20 रुपए में
नाल उतारकर लाखों की धन उगाही करने वाला अशोक वर्मा एंड कंपनी की पूरी उगाही रोक दिया। अब जुआड़ियों को पियनियो क्लब के गार्ड रूम में जुआ खेलने के लिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति नाल उगाही नहीं देना होगा। अब देखना डॉक्टर रितेश और गोली चलाने वाले छवि के अशोक वर्मा के बीच मीडिया से आने वाले हर संदेश को सावधानी से समझें। समझदारी में होती है ताकत। सतर्क जनता, सुरक्षित।